फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की ये वीडियो ऑल इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस के ऊपर है। वन लाइनर क्वेश्चंस है सारे के सारे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अगर उठा के देख लोगे तो भी उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, सो वो कौन थे? मेजर यूरी गैगरिन। फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, किन्होंने चलाया था? तो राइट ब्रदर्स थे दोनों। And first man to climb Mount Everest, कौन थे वो? श्रेपा टेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी। और कब गए थे? 29 मई 1953 में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल मैच, तो वो कौन थे? अपने सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट मैन टू कम्प्लीट 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, सुनील गावस्कर थे वो। फ्रेंड्स अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। फर्स्ट एथलीट टू कंप्लीट 100 मीटर इन 10 सेकंड्स, वो कौन थे? कार्ल लुईस। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली में कौन थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, सिंस 1953 में। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वो कौन थी? जुन्को तेबाई, जापान की। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पहली कंट्री किसने बनाया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं सारे के सारे। आर्मी डे सेलिब्रेट कब करते हैं हम? 15 जनवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अर्थ डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे कब होता है? 31 मई को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 अक्टूबर को। विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 दिसंबर को। अब हम बात करते हैं कुछ माउंटेन्स की एंड कुछ यूनिक क्वेश्चंस की। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड किसकी है? वो है एंडीज की, जो कि साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कौन है? हिमालय है अपना। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। कभी कभी ये डिस्टेंस पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ऑब्वियसली सहारा है। नेक्स्ट, अफ्रीका लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर, तो वो है हमारी नील नदी, जिसकी डिस्टेंस है 6,690 किलोमीटर्स, जो कि अफ्रीका में है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? अमेज़न है हमारा, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? सुंदरबन। इंडियाज लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी? हमारी मेडिटेरियन सी है। ठीक है, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड हमारा पैसिफिक ओशियन है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन है? बाइकाल लेक, सिबेरिया में है जो कि। हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? टिटका लेक, जो कि बोलिविया में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? लेक सुपीरियर को, जो कि यूएसए में है। वर्ल्ड्स रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कौन सी है? माउंट वेस्टर्नरम, जो कि मेघालय में है अपने इंडिया में। बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड कौन सी? हमारी ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ द वर्ल्ड की बात की जा रही है तो ये है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है गाइस, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क यूएसए में है, जो कि ये मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन। टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर में आ चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? चाइना और इंडिया के बीच है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। दुरंत लाइन किसके बीच है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है। मैग्नीटो लाइन किसके बीच है? जर्मनी एंड फ्रांस के। मैग्नीटो लाइन तो ऑब्वियसली अभी पूछा भी गया था ACC 126 में।
49th पैरेलल लाइन किसके बीच है? वो है यूएसए और कनाडा के बीच में। 24th पैरेलल लाइन किसके बीच है? इंडिया और म्यांमार के बीच। बात करेंगे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेजर कंट्रीज़ की, ठीक है, तो देखते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या है? एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नमेंट। ग्रीन बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इटली एंड ईरान। गाइज मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ ताकि आपको ईजिली लर्न कर सको कि ब्लू बुक, ग्रीन बुक कौन सी कंट्री के हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, जस्ट लाइक यहाँ इटली एंड ईरान पब्लिकेशन होती है वहाँ ऑफिशियल। देखते हैं नेक्स्ट, ग्रे बुक एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड बेल्जियम। वाइट बुक एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ चाइना, जर्मनी एंड पॉर्चुगल, तीन कंट्रीज। वाइट पेपर एन ऑफिशियल पेपर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर इशू। ऑरेंज बुक की बात की जाए तो एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। एंड येलो बुक इज फ्रेंच ऑफिशियल बुक। ओके गाइज, अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं आज तक। तो माई कंट्री एंड माई लाइफ, ये किसने लिखी थी? एल के अडवानी ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। द आर्गुमिनेटिव इंडियंस, ये किसने लिखी थी? डॉक्टर अमृत्या सेन ने। अब बात करते हैं कुछ फर्स्ट इन इंडिया जो मेल्स थे उनके बारे में। फर्स्ट गवर्नर को औरते हैं हमारे जनरल ऑफ इंडिया के विलियम बेंटिक, जो कि 1833 से 1835 तक रहे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? सी राजा गोपालचारी, जो कि 1948 से लेकर 1956 तक रहे। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज कौन थे? वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, वो थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो थे हमारे मिहिर सेन। फ्रेंड्स ये PDF आपको मिल जाएगी, क्योंकि हर टाइम तो हम नोटबुक्स वगैरह लेके साथ में चल नहीं सकते ना, लेकिन मोबाइल आज के टाइम पे हमारी जेब में रहता है, तो वेन एवर यू आर फ्री तो आप इस PDF को खोल के रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1858 से लेके 1862 तक रहे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीवी मालवेंकर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे सुकुमार सेन थे। अब बात करते हैं कुछ फर्स्ट इन इंडिया जो कि हमारी फीमेल्स थी उनके बारे में। द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट कौन थी? फतिमा बीवी। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन थे? एनी बेसेंट थी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ये कौन थी? नरगिस दत्ता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे टाइम में। द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो थी हमारी आरती साहा, जिन्होंने 1959 में किया था। द फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, वो थी हमारी करनाम मालेश्वरी, ये भी मेरे टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस, कल्पना चावला। द फर्स्ट वुमेन टू स्टे इन द स्पेस फॉर द लॉन्ग टाइम, वो कौन थी? सुनीता विलियम्स थी हमारी। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन? हर्षा, जिसको इंदिरा बोलते थे। द फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, सब जानते होंगे सुष्मिता सेन, 1994 में बनी थी। द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो कौन थी? रायता फराय पॉल, जो कि 1966 में बनी थी। अब बात करते हैं कुछ फर्स्ट इन इंडिया मिसलिनियस क्वेश्चंस के बारे में जो आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? हमारा बंगाल गैजेट था। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कौन सी थी, कहाँ थी? डायमंड हार्बर टू कलकत्ता चली थी 1851 में। फर्स्ट एयरलाइन कौन सी थी? इंपीरियल एयरवेज, जो कि 1924 में थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे टू थाने चली थी 1853 में। फर्स्ट साइलेंट मूवी कौन सी थी हमारी? राया हरिश्चंद्र थी। एंड फर्स्ट टॉकी मूवी कौन सी थी हमारी? आला मारा, ये तो हमने बचपन में भी स्कूल में भी इसके ऊपर एक चैप्टर था। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्टा, जो
जो कि 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च की थी। फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट कौन सी थी हमारी, रुक्मिणी थी। फर्स्ट लूनार मिशन कौन सा था अपना, चंद्रयान 1 जो कि अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था। एंड फर्स्ट मास ऑर्बिटल मिशन कौन सा था, मंगलयान। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरिएज वॉरशिप कौन सी थी हमारी, INS विक्रांत। फर्स्ट बैटल टैंक कौन सा था हमारा, अर्जुन। फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल कौन सी थी, पृथ्वी थी जो कि 1988 में। एंड फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन सा है हमारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि तारापुरा में है। एंड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा जो कि 1956 में था। एंड ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, इसको स्किप मत करना। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, हैली नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी फेमस था, जो कि 1936 में बना था। फर्स्ट बैंक कौन सा था हमारा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में बना था। एंड फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा स्टेट था हमारा, राजस्थान था। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपडेट पाने के लिए। और इसकी PDF जिसको भी चाहिए उसको मैं शेयर कर दूंगा, कमेंट कीजिए मुझे, मैं भेज दूंगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसको पढ़ के ही जाना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।